नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। प्रशांत किशोर जो किसी परिचय के मुताज नहीं है, बिहार से ही हैं। बिहार जहां राजनीति की जननी जिसे कह सकते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंचाने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका रही। उसके बाद बीजेपी से अनबन हुआ तो 2015 में बीजेपी को उनकी हैसियत दिखाने वाले वो प्रशांत किशोर ही थे जिन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए प्रचार प्रसार किया था, रणनीति अपनाई थी और बिहार में 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी। उसके बाद वो जेडीयू में शामिल हुए और सीधे उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पदवी दे दी गई। हालांकि उसके बाद वो लगातार पार्टी के अंदर अपने तरीके से काम करने लगे, जिसके बाद नीतीश कुमार से उनकी जो है थोड़ा मनमुटाव हुआ और उन्हें फिर जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और अब यही प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में मई के आसपास चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी लगातार पिछले कई महीनों से तैयारी कर रही है। शायद देश में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां 5-6 महीने पहले से तमाम जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या फिर खुद गृहमंत्री अमित शाह वहां लगातार जा रहे हैं और बंगाल फतह करने की सोच रहे हैं। तो आप पश्चिम बंगाल के बारे में समझ सकते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं, प्रधानमंत्री का दाढ़ी आपने देखा होगा। कहा जाता है लोगों के द्वारा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो पश्चिम बंगाल के शिखर पुरुष हैं उनको आदर्श मानते हुए नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार को ध्यान में रखते हुए अपनी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। तो आप इससे बीजेपी की तैयारियों को समझ सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर एक बार फिर जिस तरीके से बिहार में 2015 में बीजेपी का रथ जो यात्रा रोक दिया था, जीत का रथ, अब वो पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं और सीधा बीजेपी को ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसे पश्चिम बंगाल के सभी जिलों का नाम नहीं पता है वो पश्चिम बंगाल फतह करने की बात कर रहे हैं। अगर वो मौखिक रूप से सोच रहे कि जीत जाए तो अपना पैसा यहां लगा सकते हैं। मतलब स्पष्ट है, प्रशांत किशोर आपने चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान देखा होगा वो सुर्खियों से दूर रहे, लेकिन अब पश्चिम बंगाल को लेकर फिर से आक्रामक मूड में आ गए हैं और बीजेपी का रथ रोकने का दावा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को हल्के में नहीं लिया सकता। कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेन किया है और उनको रणनीति बनाने में माहिर माना जाता है। एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका द्वारा जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 व्यक्तियों में से प्रशांत किशोर और जो है कन्हैया कुमार का नाम था। तो इस तरह से प्रशांत किशोर को बहुत आसानी से नहीं लिया सकता। उनको राजनीति का एक बड़ा चेहरा के रूप में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का जो मीडिया जगत है, जो राजनीतिक विश्लेषक है वो देखते हैं। तो क्या बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल का रास्ता आसान होगा जब प्रशांत किशोर अब सीधा ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी, पिछले कई सालों में वो अपने काम को क्यों नहीं गिना रहे? अगर उन्हें कोई अच्छा किया है तो आंकड़ों के आधार पर बताएं कि उन्होंने क्या किया, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, हर कोई जो है प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है। तो इस तरीके से प्रशांत किशोर अपना मोर्चा खोल दिया है और अब देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर किस तरीके से बीजेपी के रथ को रोकने में कामयाब हो पाते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे थे भारत लाइव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।